दिल्ली विश्वविद्यालय के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। छात्रों की ओर से दायर की गई याचिका में इसी महीने होने वाले इवन सेमेस्टर के लिए ऑफलाइन परीक्षा के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने शुक्रवार को कहा है, ये किसी भी आदेश को पारित करने का सही समय नहीं है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को परिस्थिति में कोई बदलाव होने पर फिर से अदालत पर दरवाज़ा खटखटाने की स्वतंत्रता दी है। याचिका में वर्तमान सेमेस्टर के लिए सभी परीक्षाओं को ओपन बुक मोड पर आयोजित करने का निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। छात्राओं ने बताया कि 9 फरवरी के आदेश के बावजूद याचिकाकर्ता विभिन्न कॉलेजों के अन्य छात्रों की कक्षाएं ऑनलाइन मोड के माध्यम से संचालित की जा रही हैं। इसके लिए उन्होंने समय समय पर संबंधित पर लिंक प्रदान किए गए थे। अधिकता अजय कुमार श्रीवास्तव के माध्यम में दायर किया गया याचिका में कहा गया है कि वर्तमान स्थिति में जाकर कोरोना वायरस तेजी में फैल रहा है और दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय को अपने नोटिस पर पुनर्विचार करना चाहिए। याचिका में आगे कहा गया है, दिल्ली विश्वविद्यालय में 65% से अधिक भारी छात्र हैं। उनके पास कॉलेजों की यात्रा करने के लिए स्वयं के लिए वाहन नहीं है। मौजूदा स्थिति में परीक्षा में बैठने के लिए सार्वजनिक वाहन का उपयोग करना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है।